राजधानी रांची से अहम खबर है। राज्यपाल रमेश बैस से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुलाकात की है। सीएम के साथ कई विधायक भी मौजूद रहे। खतियान यानी स्थानीय नीति और ओबीसी आरक्षण को लेकर चर्चा हुई। राज्यपाल से कई मुद्दों पर प्रतिनिधिमंडल ने चर्चा की और इसके साथ ही नियोजन नीति पर भी चर्चा हुई है। ओबीसी को 27% आरक्षण देने का विधेयक भी पास किया था, जो अनुमोदन के लिए राज्यपाल महोदय के पास पहुंचा हुआ है। और उसमें हम लोगों का ये भी निवेदन था और ये भी हम लोगों ने उस विधेयक में वर्णित किया है कि इसे 9वीं अनुसूची में डाला जाए। आज उसी को जल्द से जल्द पारित करने के लिए हमने महामहिम से आग्रह किया, ताकि हम केंद्र सरकार के पास भी जाकर के इसको जल्द से जल्द 9वीं अनुसूची में शामिल कर इस राज्य को संरक्षित और इस राज्य के नौजवानों का भविष्य संरक्षित करने का काम हो सके। इसलिए आज इस संदर्भ में हम लोग यहाँ इनके पास ये आवेदन निवेदन करने के लिए पहुंचे थे। सहयोगी सूरज का रुख करते हमारे साथ राजधानी रांची से लाइव जुड़े हुए सूरज। आज सत्ता पक्ष ने राज्यपाल से मुलाकात की है, कैसी रही ये मुलाकात, कौन कौन से मसले पर विचार विमर्श हुए? देखिए, जिस तरह से आज आपने देखा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में किस तरह से गठबंधन के तमाम जो नेता है, लगभग 20 से 22 विधायक राज्यपाल से आज मुलाकात करने के लिए गए। मुख्यमंत्री इस मुलाकाती का नेतृत्व खुद कर रहे थे और खासकर जिस तरह से आपने देखा कि कुछ दिन पहले हाईकोर्ट ने नियोजन नीति को रद्द कर दी है, उसके बाद 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति को लागू करने की मांग को लेकर खासकर जो विधेयक राज्यपाल के पास जो फाइलें पड़ी है उसे लागू करने की वो मांग कर रहे हैं और इसे अमली जामा पहनाकर वो केंद्र यानी सेंट्रल को भेजना चाह रहे हैं। इस मामले को लेकर बहुत तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी प्रतिनिधिमंडल के साथ उन्होंने अपनी बातें यहाँ पर रखी। हालांकि मुख्यमंत्री से जो बातचीत हुई राज्यपाल की, तो उन्होंने किसी तरह का कोई जवाब फिलहाल अभी नहीं दिया। वो अब बस इंतजार है कि आखिरकार राज्यपाल जो आज की जो मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री से, वो क्या कुछ जवाब सामने आता है। लेकिन अभी तक कुछ किसी भी प्रकार का कुछ क्लियरिटी सामने नहीं आई कि कहीं ना कहीं सवाल कहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा आगे क्या कुछ होता है। खास सूरज, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइव स्टेट